गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे अभी तक फाइलम, वर्ब, और आज हम आपको पढ़ाएंगे नाम पद्धति एवं द्विनाम पद्धति, यानी कि किस प्रकार से किसी भी जंतु या पशु का नाम पड़ता है, दो नाम पड़ता है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि मनुष्य को क्या कहा जाता है, मनुष्य का नाम मनुष्य नहीं है, जो इसका वैज्ञानिक नाम है वह क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। ठीक है, होमो इसकी वंश का नाम है तथा सैपियंस इसकी जाति का नाम है। देखिए, हम लोग यहाँ पर रहते हैं अपने देश में, अपने देश के तरीके से बातें करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन ये जो बुक्स हैं और यहाँ पर जो प्रचलित है वह एक ही नाम पूरे संसार में होना चाहिए। अब उसको ये नहीं पता कि आपके देश में क्या बोला जाता है और हमारे देश में क्या बोला जाता है। जैसे यहाँ पर हम चिड़िया को गौरैया कहते हैं तथा इंग्लैंड में उसे स्पैरो कहा जाता है ना। तो इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने एक नाम दे दिया कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर भारत में पढ़ता है या फिर वो इसके बाद अमेरिका में पढ़ता है, तो वह अगर मनुष्य है तो मनुष्य को किस नाम से जानेगा, तो होमो सैपियंस के नाम से जानेगा। जैसे उसने बताया कि अगर मेंढक है तो हम लोग यहाँ पर भारत में उसे मेंढक कहते हैं, अब अमेरिका गया तो वहाँ पर उसे मेंढक नहीं कहा जाता है, कुछ और तो उसे समझने में देर लगेगी, इसलिए उसे ऐसा नाम दिया गया जो सभी देशों में प्रचलित हो। उसे कहा गया राणा डिग्रीना। तो राणा डिग्रीना आपका भारत में भी वैज्ञानिक नाम है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, इंग्लैंड में भी है, तो हर जगह राणा डिग्रीना मेंढक को कहा जाता है। तो यही द्विनाम पद्धति है जो दो नामों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब द्विनाम पद्धति के अंतर्गत लिखेंगे इसमें लिखिए द्विनाम पद्धति एक ऐसी पद्धति है, द्विनाम पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा किसी जीव का नाम द्विनाम पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा किसी जीव का नाम अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की सुविधा से किसी जीव का नाम अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की सुविधा के लिए एक निश्चित विधि से जीव के वंश तथा जाति के नामों के रूप में रखा जाता है। जीव के वंश तथा जाति के नामों के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार किसी जीव का केवल एक ही नाम होता है जिसे पूरे संसार में उसी नाम से जानते हैं, जिसे पूरे संसार में उसी नाम से जाना जाता है, इसे ही द्विनाम पद्धति कहते हैं।
इसमें एक वंश, इसमें एक वंश तथा एक जाति होती है। इसमें एक वंश तथा एक जाति होती है। जैसे हो गया ये वंश और ये हो गई जाति। तो वंश हो गया होमो और जाति हो गई सेपियंस। तो पूरा क्या बन गया? होमो सेपियंस। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें एक ही जाति होती है, वंश तथा जाति। तो एक हो गई वंश और दूसरी हो गई जाति। तो इस प्रकार से ये दो इनाम पद्धति होती है। लिखे, नोट कर लें इसे सभी स्टूडेंट। इसमें लिखेंगे इस पद्धति की खोज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इस पद्धति की खोज कैरोलस लीनियस ने की थी। इस पद्धति की खोज कैरोलस लीनियस ने की थी। इस पद्धति की खोज कैरोलस लीनियस ने की थी। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक। लिख लो, अगर कभी आ जाता है प्रश्न की वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को लिख लेंगे। इसीलिए इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इसीलिए इन्हें किसे? कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। अब देखिए, हम उदाहरण है जो वो हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, आपको लिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो देखो, देखो जैसे कि साधारण नाम किसी भी व्यक्ति का है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब जैसे यहाँ पर किसी का नाम मेघा है, किसी का नाम स्वाति है, किसी का नाम रवि है, किसी का नाम किशन है, तो वो यहाँ पे है। लेकिन अब अमेरिका गया, स्पेन गया, इंग्लैंड गया, तो वहाँ तो नहीं जानते कि कौन है। ठीक है, वो तो ये जानेंगे कि ये क्या है, मनुष्य है एक। और उन्होंने क्या, उसका नाम अगर एक यहाँ होता वही नाम वहाँ प्रचलित होता तो वह जानते। तो इसलिए एक ऐसा नाम रखा गया, जैसे कि हमने आपको बताया गया कि मानव है। अब यहाँ भी हम मानव को कहते हैं आदमी। ठीक है, हम लोग भारत में कहते हैं आदमी भी कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं, मानव भी कहते हैं, मनई भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं, है ना। बहुत सारे नामों से व्यक्ति जाना जाता है। अमेरिका गया, तुमने कहा ये व्यक्ति कहाँ गया है, अब वो कहेगा क्या, व्यक्ति कौन, व्यक्ति इस व्यक्ति का क्या नाम है, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा आदमी है, वो नहीं जानते। वो क्या जानते, मैन, ये मैन है ना, वहाँ पे मैन कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की कि हम इसे ऐसे नाम से जाने कि स्पेन में भी वही जाने, वही इधर जाने, वही उधर जाने। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, जब इसके वंश खोजे गए तो वंश निकला होमो। ठीक है, होमो मतलब ह्यूमन, ह्यूमन माने आदमी, और सेपियंस। तो ये अमेरिका में भी जान रहे हैं, जापान में भी जान रहे हैं, इंग्लैंड में भी जान रहे हैं, और भारत में भी जान रहे हैं कि मनुष्य का क्या नाम है, होमो सेपियंस। इसी प्रकार कई पक्षी हैं, कई जीव जंतु हैं जिनके नाम, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा साइंटिस्ट है, पढ़ रहा है, अब उसे खोज के लिए वह कहाँ जाता है, अमेरिका जाता है। उसे किसी खोज करनी, अब उसने कहा, अब उसे परीक्षण करना है किसी मेढक पर। उसने कहा कि मेढक को, मेढक ले आओ, एक मेढक ले आओ, वहाँ के लोग नहीं जानते कि मेढक क्या होता है ना। तुमने यहाँ फ्रॉग, तुमने कहा मेढक, नहीं जान पाए, तुमने कहा राणा टिकवीना की जरूरत है मुझे, तो वो समझ गए कि ये राणा टिकवीना क्या मांग रहा है ना। इसी प्रकार से जैसे भारत में चिड़िया को बोला जाता है गौरैया, बोला जाता है, वैसे आपके सिलेबस में ये है, लिखाना था लेकिन हम लिखा नहीं रहे हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे भारत में चिड़िया को बोला जाता है गौरैया, और दक्षिण भारत में इसी चिड़िया को बोला जाता है पिचुका। क्या बोला जाता है, पिचुका। ठीक
ठीक है। अब तुमने कहा देखो देखो कितनी अच्छी गौरैया है, उसने कहा देखो पिचुका है, तुमने कौन सा पिचुका है, कहाँ पिचुका है ना, क्योंकि अब तुम जान उनकी भाषा अलग है, उनका नाम अलग है, और आपकी भाषा अलग है, आपका नाम अलग है। इसी प्रकार इंग्लैंड में उसे कहा जाता है हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो। उसने कहा आप गए इंग्लैंड, या इंग्लैंड का व्यक्ति यहाँ आया, उसने कहा यहाँ तो बहुत सारी हाउस स्पैरो हैं। आपने कहा व्हाट हाउस स्पैरो, क्योंकि आप उसे क्या कहते हैं, गौरैया कहते हैं। आपने कहा देखिए आइए सर हम आपको दिखाते हैं गौरैया। वो कह रहा ये गौरैया नहीं है, ये क्या हाउस स्पैरो है। आप कह रहे नहीं ये गौरैया है, नो ये दैट इज हाउस स्पैरो है ना। क्यों, क्योंकि वह क्या जानता है, हाउस स्पैरो। आप क्या जानते हैं, गौरैया है ना। लेकिन इसे फिर कहा गया, अब जैसे जापान में इसी गौरैया को कहा गया सुजून, क्या कहा गया सुजून। तो अब वैज्ञानिक वाले भ्रमित हुए, उन्हें खोज करनी कि हम जहाँ जाएंगे खोज करेंगे, तो उन्होंने तभी क्या किया, दो नाम पद्धति दे दी कि उसे हर जगह पर एक ही नाम से जाना जाए। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए कैरोलस नीनियस ने दो पद्धति की खोज की, ठीक है। और इन्होंने अपनी सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी, लिख लो ये लाइन में, अगली लाइन में लिख लो, इन्होंने लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी, लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी, जिसमें कुछ जंतुओं के वैज्ञानिकों के नाम भी लिखे, जिसमें कुछ जंतुओं के वैज्ञानिकों के नाम भी लिखे। अब देखो नाम लिखने का तरीका भी अलग होता है, ये नहीं कि नाम लिख दिए बस नाम हो गया, उसका एक तरीका होता है, उसके नियम्स होते हैं, ठीक है। तो सब लाइन से लिखेंगे, द्विपद्धति नियम लिखिए, हेडिंग है दो पद्धति की विशेष बात, ये लिख लो दो पद्धति नामों की विशेष बात, द्विपद्धति नामों की विशेष बात। सबसे पहले नंबर एक लिखेंगे जीन्स का नाम, नंबर एक जीन्स का नाम, अंग्रेजी के बड़े अक्षर, जीन्स का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। जीन्स मतलब वंश, जीन्स का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में होना चाहिए, तथा प्रजाति का नाम छोटे अक्षर में, तथा प्रजाति ये प्रजाति है, ठीक है, जीन्स ये है ये प्रजाति है, तथा प्रजाति का नाम छोटे अक्षर में। दूसरा पॉइंट, नामों को इटैलिक में लिखना चाहिए, नामों को इटैलिक में लिखना चाहिए, नामों को इटैलिक में लिखना चाहिए। अब किस प्रकार से लिखेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम यहाँ पे भी पहले टेबल बना ले सभी स्टूडेंट्स।
एक मार्कर लिया बेटा, मार्कर लिया या लिया इंक या। बना लिया सभी ने? देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे बिल्ली, बिल्ली को कहते हैं फेरिस और इसको कहते हैं डोमेस्टिक, डोमेस्टिकस। यहां हो जाएगा आपका फेरिस डोमेस्टिकस। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये नाम बना आपका। बिल्ली साधारण नाम है, सभी जानते हैं। फेलिस डोमेस्टिक है। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे शेर, और शेर को कहते हैं फेलिस, क्योंकि शेर जो टाइगर होता है आपको बिल्ली तरह दिखाई देता है, लियो। तो ये क्या बन गया? फेलिस लियो। चीता, चीता, फेलिस, ये की प्रजाति के हैं, इसलिए सब क्या है? वंश के हैं, इसलिए फेलिस है। टाइग्रेस, टाइग्रेस ये क्या बनेगा? बाद में बताएंगे। ये है घोड़ा, और ये है गाय, ये है चूहा, ये है बंदर। देखिए यहां पर है घोड़ा, और घोड़ा को क्या कहा जाता है? इक्वस, इक्वस। ये क्या बना? एसिनस। तो ये जब चीता बना आपका, देखिए इसी प्रकार से गाय है, इसे कहते हैं बॉस, और इसकी जाति का नाम है टाउरस। इसी प्रकार चूहा है रेटस, और इसका भी नाम है रेटस। इसी प्रकार बंदर है मुका, मुलाटा। देखो बच्चों, यहां पर हमने वंश का नाम, प्रजाति का नाम लिख दिया। अब ये बनेंगे कैसे? फेलिस डोमेस्टिक था, फेलिस डोमेस्टिक हो गया, फेलिस लियो, फेलिस लियो। इसी प्रकार फेलिस टाइग्रेस, यहां पर हम क्या लिखेंगे? फेलिस टाइग्रेस। तो चीता क्या बन गया? फेलिस टाइग्रेस। इसी प्रकार से घोड़ा इक्वस, और एसिनम, एसिनस। इसी प्रकार से गाय बॉस, ट्यूरस। इसी प्रकार से रेटस, रेटस। और इसी प्रकार से बंदर है होगा।
वंश, इसे इसकी वंश का क्या नाम है? होमो। और इसके जाति का क्या नाम है? सैपियन। तो ये क्या पूरा बन गया? होमो सैपियन। नोट कर लें। देखिए सभी को समझ में आ गया होगा कि बिल्ली वंश का नाम फेलिस, जाति का नाम डोमेस्टिक, तो फेलिस डोमेस्टिक पूरा वैज्ञानिक नाम हो गया। इसे पूरे वैज्ञानिक जानते हैं कि फेलिस डोमेस्टिक है। शेर फेलिस लियो बना आपका फेलिस लियो। इसी प्रकार से चीता फेलिस टाइग्रिस, फेलिस टाइग्रिस। इसी प्रकार से घोड़ा इक्वस एसिनस, इक्वस एसिनस। इसी प्रकार से गाय बॉस टेरस, बॉस टेरस। इसी प्रकार से चूहा रेटस 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 टेरस। इसी प्रकार से बंदर मुका मुलाटा मुका मुलाटा। इसी प्रकार से मनुष्य होमो सैपियंस होमो सैपियंस। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो ये वैज्ञानिक नाम है। कभी कभी ये इधर का ही पूछ दिया जाता है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताओ, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, गाय को वैज्ञानिक नाम में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सभी स्टूडेंट ये सब नोट कर लीजिए। हो गया सभी का? इधर देखिए, कुछ लोगों को दिखाई नहीं दिया, नोट कर लें। जिन्हें दिख नहीं रहा था वो नोट कर लें। क्या वही नहीं दिखाया दवा? सभी लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए।